लैपटॉप एलसीडी एलईडी रिपेयरिंग दोस्तों, आज हमारे पास एक प्रिंटर की सप्लाई आई है और आज मैं आपको उसको बताऊंगा कि इसको किस तरीके से रिपेयर करना है। तो आपको आप आइए पास में आइए। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये सप्लाई है हमारी 1005 की। इसमें क्या है कि इसमें हमारा आउटपुट वोल्ट नहीं मिल रहा है और हमारा प्रिंटर ऑन नहीं हो रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये पावर सप्लाई है हमारी, जो HP का लेज़र जेट होता है उसमें लगती है, 1018 और 1005 में भी लगती है। और ये विदाउट STR वाली है, आपने देखा होगा 1005 में STR वाली सप्लाई भी आती है, लेकिन ये विदाउट STR वाली सप्लाई है। तो इसको कैसे रिपेयर करना है मैं आपको इसके बारे में दिखाऊँगा। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है, जब भी आप कोई SMPS या कोई सप्लाई रिपेयर करते हैं तो हमेशा उसको सीरीज में चेक करें। अगर उसमें शॉर्टिंग होगी तो आपकी MC भी उड़ सकती है, इसीलिए आप हमेशा क्या है सीरीज वाली लाइन को यूज़ करें। जैसे कि मैं इसको देखेंगे आप, सीरीज मैंने लगा रखा है, ठीक है, ये सीरीज का कनेक्शन है। तो मैं इसको प्लग करता हूँ और मैं इसमें जो प्रॉब्लम है वो आपको मैं दिखाता हूँ। मैंने इसमें 220 इसमें कनेक्ट कर दी है और 220 कनेक्ट करने के बाद इसमें हम कुछ पॉइंटों को पे हम वोल्टेज चेक करेंगे। जैसे कि इसको मैं लाइट जला लेता हूँ ताकि आपको डिस्प्ले अच्छे से दिखे। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके AC पॉइंट पे देखते हैं कि हमारी वोल्टेज आएगी नहीं आएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें 220 वोल्टेज हमें मिल रही है और इसका ऑन ऑफ स्विच इसको चेक करेंगे। जनरली तो ये सही होता है, बहुत कम ये ऐसा होगा कि ये ख़राब होगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसके मेन आउटपुट जो कैपेसिटर लगा है 450 वोल्ट का, उस पर वोल्टेज चेक करेंगे DC की। तो आप देखेंगे, आप उसके मेन कैपेसिटर में वोल्टेज चेक करेंगे, जो इसका मेन कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है 450 वोल्ट का। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमें कितनी वोल्टेज मिल रही है, देख सकते हैं हमें यहाँ पे पूरी वोल्ट मिल रही है, करीब 300 वोल्ट के आसपास मिल रही है। और जो इसका आउटपुट कैपेसिटर है, जो आप देखेंगे ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से हमारे को जो कैपेसिटर मिल रहा है, यहाँ पे हमें कितनी वोल्ट मिल रही है, यहाँ पे हमको 0 वोल्ट मिल रही है। और जबकि आउटपुट हमें यहाँ पे 25 वोल्ट के आसपास मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज नहीं आ रही है। अमूमन क्या होता है कि इसमें जो फ्यूज़ लगा होता है ये उड़ जाता है और जो यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर बना है 4 डायोड का, ये शॉर्ट हो जाता है, इसके वजह से हमारे फ्यूज़ उड़ जाता है। तो ये प्रॉब्लम तो हमारी ओके है, मेन कैपेसिटर में हमारी वोल्टेज आ रही है। तो इसमें हम और चेक करेंगे क्या प्रॉब्लम है। तो आप देखेंगे, मैंने इसकी ड्राइंग भी बना रखी है, आप देखेंगे यहाँ पे हमारा ये न्यूट्रल फेस क्या होगा, यहाँ पे फ्यूज़ लगा हुआ है और यहाँ पे हमारा एक स्विच लगा हुआ है और यहाँ पे एक कॉइल लगी है और ये हमारे ब्रिज रेक्टिफायर बना हुआ है, जो AC हमारी इन पोल पे जाकर DC कन्वर्ट कर रही है। और यहाँ पे हमको 350 वोल्ट अभी मिलनी चाहिए, जो कि हमको मिल रही है। तो यहाँ पे मेन कैपेसिटर C107 लगा हुआ है, जिस पे मैंने आपको अभी 300 वोल्ट चेक करी थी। यहाँ पे एक TH101 यानी कि थर्मल लगा हुआ है यहाँ पे NTC, अगर ये भी ओपन हो जाएगा तब भी हमारा ट्रांसफार्मर में सप्लाई आउटपुट नहीं होगी। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी हुई है, यहाँ पे 523 करके लगी हुई है, अगर ये ओपन हो जाएगी तो ये पॉजिटिव सप्लाई हमारे इस ट्रांसफार्मर यानी कि T501 में नहीं जाएगी, जिससे स्विचिंग नहीं होगी तो आउटपुट भी हमें नहीं मिलेगी। तो अभी हमें देखना है कि हमको यहाँ पे ये वोल्टेज यानी कि जो 350 वोल्ट मिल रही थी, इस रेजिस्टेंस के पार में आ रही है कि नहीं आ रही है, और यहाँ पे जो थर्मोस्टेट लगा हुआ है इसके पार आ रही कि नहीं आ रही। अगर यहाँ हमको वोल्टेज नहीं मिलती है तो या तो थर्मोस्टेट ख़राब हो गया है या फिर ये रेजिस्टेंस ख़राब हो गई होगी, ठीक है। और अगर रेजिस्टेंस उड़ी है तो हो सकता है कि हमारा ये जो Q501 लगा है MOSFET, ये हमारा उड़ गया हो। यहाँ पे हम 6N60, 7N60 भी लगा सकते हैं, और अगर ये शॉर्ट होगा उन कंडीशन में हमारे ये दोनों में से कोई एक ओपन हो सकता है। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। तो जैसे कि आपको मैं दिखा दूँ, यहाँ पे हमारा R523 आप देखेंगे तो यहाँ पे लगा हुआ है, अगर आपको दिख रहा है तो यहाँ पे आप देखेंगे R523 से थोड़ा जूम करके दिखा दो, तो देख सकते हैं यहाँ पे R523 लगा हुआ है रेजिस्टेंस। अगर ये ओपन हो गया तो अभी हमारा ये MOSFET उड़ा होगा। और यहाँ पे एक थर्मोस्टेट लगा हुआ है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे TH101 लगा है, और ये ओपन हो गया तब भी हमारा ये शॉर्ट होगा। तो हम इसको चेक करते हैं, तो देख सकते हैं हमारा जो वोल्टेज है हमारी, हमको वोल्टेज प्रॉपर मिल रही है यहाँ पे इस मेन कैपेसिटर पे। इस कैपेसिटर का नंबर है C107 और इसके ट्रैक में एक रेजिस्टेंस जो मैंने बताई थी आपको, वो ये वाली लगी हुई है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये है R523। तो इस पॉइंट पे तो हमें वोल्टेज मिल रही है, लेकिन जो ये पॉइंट है आप देख सकते हैं, इस पॉइंट पे हमें कोई भी वोल्टेज नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब ये रेजिस्टेंस हमारी ओपन है, तो इसको हम चेंज करेंगे। और जो थर्मोस्टेट हमने देखा था इसके ट्रैक में लगा हुआ, वो ये लगा हुआ है थर्मोस्टेट TH101 है, तो इसको भी हम एक बार चेक कर लेंगे।
जैसे कि आप देख रहे हैं, अब हम इसको पॉजिटिव लाइन से चेक करेंगे, थर्मोस्टेट ये लगा हुआ है, तो इसके ये वाले पोल पे तो हमें वोल्टेज मिल रही है, सेकंड पोल पे भी हमें वोल्टेज मिल रही है, इसका मतलब ये थर्मोस्टेट तो हमारा ओके है। और जबकि ये नेगेटिव लाइन से जो रेजिस्टेंस लगी है पॉजिटिव लाइन में, ये हमको ओपन शो कर रही है, और ये हमारा ट्रांसफार्मर की प्राइमरी लाइन है, ये हमारी सेकेंडरी लाइन है। तो यहाँ पर हम इस रेजिस्टेंस को चेक करेंगे, हालांकि ये ओपन हो चुकी है, और यहाँ पे जो मॉस्फेट लगा हुआ है हमारा, इसको भी हम चेंज करेंगे या चेक करेंगे पहले। तो मैंने लाइन बंद कर दी है, और सबसे पहले मैं इसके कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर दूंगा, क्योंकि ये हमें शॉक दे सकता है। अब मैं इसको कंटिन्यू मूड पर रख के इसके मॉस्फेट को चेक करूंगा कि इसका मॉस्फेट सही है या ख़राब है। जैसे कि आप देखेंगे रेजिस्टेंस जो लगी होती है, वैसे फ्यूजेबल रेजिस्टेंस होती है, यहाँ पे प्रोटेक्शन के लिए लगाई जाती है, तो ये हमारी ओपन है। और मैं अगर इसको ओम्स में भी चेक करके दिखाऊं आपको, तो ओम्स में भी इसकी कोई वैल्यू नहीं आएगी, अगर वैल्यू आएगी तो सर्किट में लगे होने के कारण आएगी है। मैं आपको इसको ओपन करके भी चेक करा दूंगा, हालांकि ये अभी हमें वैल्यू दे रहा है, तो ये सर्किट में लगा हुआ है, तो इसकी वैल्यू आ रही है। अभी मैं आपको ओपन करके भी दिखा दूंगा कि ये 100% ख़राब होगी। तो अब हम कंटिन्यूटी पॉइंट पर रख के इसके मॉस्फेट को चेक करेंगे। देख सकते हैं ये मॉस्फेट का हमारा जो ड्रेन और सोर्स वाले पोल हैं, दोनों हमको कंटिन्यूटी दिखा रहे हैं, जबकि ग्राउंड हमारी ओपन है, लेकिन जो हमारा ड्रेन और सोर्स जो है एक साथ मिल गए हैं, बीप आ रही है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस मॉस्फेट को चेंज करेंगे, और यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगी है इसको चेंज करेंगे। ये रेजिस्टेंस को भी हम ओपन कर देंगे। ये रेजिस्टेंस निकाल लिया, भी मैं आपको उसकी वैल्यू चेक करके दिखाऊंगा। और यहाँ से जो मॉस्फेट है इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं। तो आप देख सकते हैं ये रेजिस्टेंस को, मैं सबसे पहले इस रेजिस्टेंस को चेक करता हूँ कंटिन्यूटी पॉइंट पे, इसमें कोई भी वैल्यू या बीप नहीं आई, वैसे ही फ्यूजेबल रेजिस्टेंस है, इसमें हमको बीप मिलनी चाहिए। और फिर भी मैं ओम्स पे रख के इसको चेक करके दिखाता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे हमें कोई भी ओम्स नहीं मिल रही है, तो ये रेजिस्टेंस हमारी ओपन है। और इसके बाद मॉस्फेट में जो शॉर्टिंग हमें मिल रही थी, वो मैं आपको चेक कराता हूँ। इसका ड्रेन और सोर्स में जो है कंटिन्यूटी मिल रही है, देख सकते हैं हमको फुल कंटिन्यूटी मिल रही है, तो इसका मतलब ये शॉर्ट हो गया है। और जो इसमें नंबर लगा हुआ है वो है हमारा K3564 लगा हुआ है, K3564 लगा हुआ है, तो इसकी जगह हम दूसरा मॉस्फेट लगाएंगे। तो ये मॉस्फेट चेंज कर देता हूँ। इसकी एक लेग को थोड़ा सा हमें बाहर निकालना पड़ेगा, और इसको हम इसमें कस देंगे। देख सकते हैं मैंने मॉस्फेट इसमें लगा दिया है। और इसको हम सोल्ड कर देंगे। सोल्डिंग अच्छे से करें आप। दोस्तों आज आप लोग हमारा वीडियो पूरा देखें, ताकि आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिले। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए। और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी थी, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस होती है, तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा जम्पर लगा देता हूँ चेक करने के लिए, बाद में मैं इसको
रेस्टेंट लगा दूंगा। यहाँ पे भी मैं चेक करने के लिए एक वायर लगा दे रहा हूँ, क्योंकि ये फ्यूजेबल रेजिस्टेंस होती है प्रोटेक्शन के लिए। तो इसको ऐसा करने से प्रिंटर चल तो जाएगा, लेकिन इसकी प्रोटेक्शन जो है नेक्स्ट टाइम के लिए कम हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे एक वायर लगा दिया है, और अब इसको हम देखते हैं क्या हमें इसमें आउटपुट हमें मिली कि नहीं मिली। और देख सकते हैं हमारा शॉर्टिंग नहीं हुई, बल्ब भी नहीं जला। अगर शॉर्टिंग होती तो बल्ब जल जाता हमारा, बल्ब तो खैर पहले भी नहीं जल रहा था। तो अब हम इसकी आउटपुट चेक करेंगे, जो उसके हमारे आउटपुट कैपेसिटर लगे हुए हैं यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं पहले आपको हमको यहाँ पे वोल्टेज नहीं मिल रही थी, और अब देखते हैं क्या हमें यहाँ पर वोल्टेज मिली। तो देख सकते हैं हमको यहाँ पर 24 वोल्ट हमें प्रॉपर मिल गई है, और ये कार्ड हमारा ओके हो गया है। देख सकते हैं प्रॉपर हमें वोल्टेज मिल रही है, जो कि हमें यहाँ पे पहले वोल्टेज नहीं मिल रही थी। और मैं आपको दिखाता हूँ कि जब मैं यहाँ पे चेक कर रहा था पहले, यहाँ पे तो हमें वोल्टेज मिल रही थी, और यहाँ पे हमें वोल्टेज नहीं मिल रही थी, तो हमने जम्पर मार दिया। तो ये हमारी वोल्टेज यहाँ पे जा चुकी है, और स्विचिंग हमारी सही हो रही है, तभी हमारी प्राइमरी जो वोल्टेज है वो सेकेंडरी में ट्रांसफ़र हो रही है। और यहाँ डायोड लग के ये प्योर डीसी में हमें कन्वर्ट होकर प्रॉपर 25 वोल्ट हमें यहाँ पे मिल रहे हैं, और ये हमारा कार्ड ओके हो गया। और दोस्तों आप हमारा पूरा वीडियो देखें, ताकि आपको इसमें से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अधिक जानकारी के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसमें रिप्लाई करूँगा। थैंक यू।